हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिंपल जीएस। इससे पिछले अपन वीडियो अपन पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से स्ट्रिंग के जो फंक्शन हैं उनको अपन यूज करते हैं। आज अपन कुछ और फंक्शन के बारे में समझने वाले हैं। बेसिकली अपन तीन फंक्शन के बारे में जान रहे होंगे। सबसे पहले str lwr, जिसमें अपन किसी भी स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर हैं उसको लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा अपन str rev, जो भी अपने पास स्ट्रिंग है उसको किस तरीके से रिवर्स किया जाता है। तीसरा अपने पास जो फंक्शन है वो है str upr, इसको जो यूज किया जाता है इसलिए क्योंकि लोअर केस में अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसको अपर केस में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन अपने सीधे VS कोड पे चलते हैं और इसके बाद अपन अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। सबसे पहले अपन बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं जिन इंक्लूड stdio.h, और क्योंकि अपन स्ट्रिंग के फंक्शन को यूज कर रहे हैं तो एज इंक्लूड string.h लगाना भी उतना ही जरूरी है। तो इस तरीके से अपना दोनों stdio है, केवल डबल हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन int main, और इस तरीके से लगाने के बाद अपन इस तरीके से return 0। ओके, तो अपना जो है जाना जल्दी का काम शैतान का होता है, कोई बात नहीं। अभी क्या करना है, अभी अपन को सिंपल सी एक स्ट्रिंग लेनी है। जैसे कि कैरेक्टर से एक स्ट्रिंग उठाते हैं, एक स्ट्रिंग लेता हूं मैं, स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर देता हूं। जैसे मान के चलिए आपका नाम दे दिया मैंने, आपका नाम राहुल मान लिया मैंने, राहुल नाम का शख्स मेरी वीडियो देख रहा है, तो इस तरीके से ठीक है। अब अपन को क्या करना है, राहुल को जो अपर केस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस में है, इसको अपर केस में यानी कि इसको कैपिटल में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन प्रिंट एफ का यूज करेंगे, और प्रिंट एफ का यूज करने के बाद परसेंट एस का यूज करेंगे, परसेंट एस का यूज करने के बाद str upr का यूज करेंगे, और str upr करने के बाद उस स्ट्रिंग का नाम दे देंगे जिस स्ट्रिंग को अपन को अपर केस में कन्वर्ट करना है। सिंपल, वेरी सिंपल। प्रोग्राम चलाएंगे, प्रोग्राम अपना रन हो जाएगा, सही तरीके से रन करेगा। इसके बाद अपन डॉट स्टार करके उस फाइल को देख लीजिए। राहुल अपना जो नॉर्मल तरीके से यानी कि जो लोअर केस में लिखा हुआ था वो एक बहुत ही शानदार तरीके से अपन को प्रेजेंट टेबल होम में कैपिटल में आ गया है। ठीक है, ये तो हो गया। अब इस राहुल को मैं कैपिटल कर देता हूँ, स्ट्रिंग को मैं कैपिटल कर देता हूँ, और लेकिन मैं यहाँ पे यूपीआर की जगह, सॉरी इसको तो राहुल को तो कैपिटल ही रहने देते हैं, लेकिन जो ये फंक्शन है इसका नाम चेंज कर देते हैं। क्या नाम कर देते हैं, str lwr। फंक्शन रन किया, अपना चल गया, और अपन डॉट आर करते हैं तो राहुल जो अपन ने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ था वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट होके आ गया। अब तो ये दोनों बात हो गई। अब अपन को क्या करना है, इसी राहुल को रिवर्स करना है। अब जो राहुल की जगह एल यू एच ए आर लिख के आना चाहिए, देखते हैं, रन करते हैं। प्रोग्राम अपना प्रॉपर तरीके से रन हो गया है, और शी के साथ अपना इसको टक से एल यू एच ए आर अपना आउटपुट आ चुका है, यानी कि अपने तीनों प्रोग्राम बिल्कुल सही तरीके से रन किए। ए मैंने आपको डायरेक्ट करके दिखाया, मतलब एक स्ट्रिंग है पर उसको, लेकिन ऐसा कोई इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग को अपन ने इनपुट कराया, इनपुट कराने के बाद उसमें किसी भी फंक्शन लगा, कोई भी अपन ने फंक्शन लगाया, और फंक्शन लगाने के बाद उसने अपना आउटपुट दे दिया। जैसे कि मैंने कि यहाँ पे ये तो अपन ने कैरेक्टर बना ही दिया, अपन क्या करते हैं, अपन प्रिंट एफ कराते हैं, प्रिंट एफ में लिखेंगे इंटर ए स्ट्रिंग, और जो भी वो स्ट्रिंग को इंटर करेगा वो रिवर्स हो जाएगी, इंटर ए स्ट्रिंग टू रिवर्स, इस तरीके से अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, gets, क्योंकि अपन स्ट्रिंग के साथ खेल रहे हैं तो गेट्स का यूज कर लो, और गेट्स स्ट्रिंग का नाम दे दो टक से, बस लो भैया, बहुत सिंपल रहता है, गेट्स के साथ तो खेलना बहुत ही आसान है, गेट और पुट के साथ। प्रोग्राम अपना सही तरीके से रन कर गया, और इस तरीके से प्रिंटर स्ट्रिंग टू रिवर्स अपन देते हैं सागर गुप्ता लाहौर भिंड मध्य प्रदेश, इस तरीके से। अब ये स्ट्रिंग आप सोचो कि कितनी बड़ी प्रिंट होके आएगी,
पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होके आ गई, बिल्कुल उल्टी स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या लिखा है। जनरली ऐसी जो चीजें हैं ना, वो अपन तब यूज करते हैं जब अपन को, जैसे अपन ने JWT यूज करते हैं, ये मतलब बहुत वेब डेवलपमेंट की चीजें हैं, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में देखते हैं अपन। ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछना कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी।